दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। ऐसा दुनिया में कौन है जिसको रूप के, यश के, विजय के, सौंदर्य की, स्वास्थ्य की, आयुष्य की, निरोगी काया की, ख्याति की, प्रसिद्धि की, सुख शांति की, पारिवारिक हैप्पीनेस की, इन सब चीज़ों की तमन्ना नहीं हो। कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बिरला छोड़ दीजिए जो अध्यात्म मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो रूहानियत से जुड़ा हुआ है, वो तो एक्सेप्शन है। वो मैं कभी भी उनको इस कैटेगरी में नहीं जोड़ता भौतिकवाद में, क्योंकि मेरी दो थैलियाँ हैं खाने की, एक बिल्कुल प्योरली स्पिरिचुअल और एक भौतिकवाद की। तो मैं 99.99% मानता हूँ कि ये सब चीज़ें भौतिकवाद में जा रहे हैं हम लोग। वो 0.00000% की जो आध्यात्मिक बातें हैं, वो कभी भी मैं जोड़ता नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारा अध्यात्म भी हमारा भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। हम अगर भगवान का नाम भी लेते हैं तो अपने स्वार्थवश, और स्वार्थ भी वो जो अनंतानंत है, जो जो इनफाइनाइट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर है ऐसी इच्छा, ठीक है, शरीर है, प्रभु ने शरीर दिया है, तो नीड्स भी हैं, नीड्स हैं तो उनको पूरा करने के लिए आदमी एफर्ट्स भी करेगा। उन एफर्ट्स के क्रम में जो भी अपने समझ में, अपनी जो भी अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में अच्छा है या बुरा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, चार नवरात्रि आते हैं वर्ष में, दुर्गा माँ की पूजाएं होती हैं, उसमें अपने अपने परिवारों में अपने अपने घर के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली। तो आपके जो भी ट्रेडिशंस हैं घर में पूजा पाठ के, बहुत से लोग जॉब होते हैं, बहुत से लोग नहीं होते हैं, अगर जो भी है अपनी ट्रेडिशनल पूजा है आपकी, वो संपन्न कर लीजिए, और ये प्रयोग 9 दिनों तक करिए, 4 नवरात्रों में रेगुलरली। और अगर मान लीजिए अच्छा लगता है तो फिर नवरात्रि ही क्यों, माँ का अस्तित्व तो 24 घंटे है ना, 365 दिन है ना, वो 9 दिन थोड़ी बैठी हुई है कि प्रतीक्षा कर रही है कि 4 नवरात्रि आएंगे तो मेरे बालक मेरे बच्चे आएंगे। तो ये सोचिए, नित्य कीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, माँ दुर्गा का चित्र मिल जाए या यंत्र मिल जाए, जैसे भी सुविधा हो वो ले लीजिए, उसको लकड़ी के पटरे पे उसको रख लीजिए, किसी पात्र में स्थापित कर लीजिए। हम जो लकड़ी का सजेस्ट करते हैं यंत्रों के लिए, चित्रों के लिए, विग्रह के लिए, क्योंकि जो इनमें एनर्जी उत्पन्न होती है वो अर्थ के माध्यम से ड्रेन ना हो, इसलिए लकड़ी का प्रयोग करवाते हैं, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो जो उसकी जो अर्जित ऊर्जा है उसके अंदर वो ड्रेन नहीं होती, इसलिए लकड़ी का प्रयोग करवाते हैं। बाकी अपने जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जैसे जिसका विश्वास हो, रख लीजिए। और इनको लाल पुष्पों से, विशेष रूप से लाल पुष्प, कोई भी लाल पुष्प हो एक्स वाई जेड, उनसे पूजा पाठ जो भी अपने अपने आपका तरीका है, तिलक से, धूप से, दीप से, आरती से, यंत्र को एक सजीव मान के, यंत्र को एक चैतन्य वस्तु मान के, चैतन्य विग्रह मान के इसकी पूजा अर्चना कीजिए। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, साफ हो बिल्कुल, उसमें 7 कौड़ी, पीली वाली कौड़ी आती हैं बड़ी साइज के, इनमें डुप्लीकेट भी होती हैं, तो बड़े साइज की पीली कौड़ी ले लीजिए। 7 गोमती चक्र ले लीजिए, गोमती चक्र कौड़ियाँ ईजली अवेलेबल हैं। 7 श्रीफल, इसको छोटा नारियल बोलते हैं, नारियल का लघु रूप, ये 3 चीज़ें लाल कपड़े में पोटली में बांध कर रख लीजिए, और जहाँ पर यंत्र आपने स्थापित किया है वहाँ पर भी इस पोटली को रख दीजिए। 9 दिन कंटिन्यूसली मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का पाठ कीजिए 11-11 माला नित्य, और 11वें माला में हवन सामग्री बना लीजिए, उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं उसमें कमल गट्टे जुड़वाता हूँ, उसमें शक्कर जुड़वाता हूँ, उसमें गोले का बुरादा जुड़वाता हूँ, उसमें पंचमेवा जुड़वाता हूँ, उसमें गोघृत जुड़वाता हूँ, और उसमें फिर व्यक्ति विशेष के अनुसार संविधाएँ, हवन सामग्री वो उसमें जुड़वाता हूँ, तो उसका प्रभाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कुछ नहीं है तो साधारण हवन सामग्री, मगर उसमें कमल गट्टे, घी, शक्कर या बताशे जरूर ऐड कर लीजिए उसमें।
ग्यारह माला जप लीजिए। ग्यारहवीं जो अंतिम माला होगी आपकी, उसमें मंत्र जाप करते रहिए और प्रत्येक मंत्र के साथ हवन सामग्री अग्नि में होम कीजिए। ये 108 आपके अग्नि में होम हो जाएंगे। ये नित्य क्रम सेम जो पहले दिन करें वही 9 दिन करें, और उसके बाद में जो चित्र आपने लिया है, जो यंत्र लिया है, उसको अपने पूजा में स्थापित कर लें, उसको अपने किसी पवित्र स्थान में स्थापित कर लें, अपने कोई आपका वर्किंग प्लेस है तो वहाँ स्थापित कर लें, दुकान है, कोई फैक्ट्री है, क्लिनिक है, कोई और प्रतिष्ठान है, कोई और वर्किंग प्लेस है, जहाँ अच्छा लगे आप, जो शुद्ध हो स्थान, जहाँ पे झूठे पीटे हाथ नहीं लगे, वहाँ स्थापित कर लीजिए। और फिर इस मंत्र की एक माला नित्य जाप कर लिया करें। आप देखिए कि रूप, यश और विजय के लिए दुर्गा सप्तशती का ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। और फिर इसके बाद में अगर इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं आप, जो अगर जैसे दुर्गा सप्तशती कैसे बहुत लोग पूरा पूरा पाठ करते हैं वो, मगर अगर नहीं करते हैं तो जो गोरखपुर वाली दुर्गा सप्तशती है उसके अंतिम पृष्ठ में, अंतिम भाग में उसके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है, उसका एक पाठ कर लिया करें। मंत्र जपें, एक माला मंत्र जपें और एक पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर लें। आप देखिए कि रूखे कितना अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों ये मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, सरल सा है, सबको जुबान पे चढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती कोई करते हैं तो सबको पता है, और नहीं है तो आप अगर एक इसका एक अक्षर भी टाइप करेंगे तो ये ऑनलाइन आपके पास आपके एक्सेस हो जाएगा, आपके अपने डेस्क पे, आपके अपने कंप्यूटर पे, आपके अपने मोबाइल पे। और नहीं है तो इसको आप, हम मेरे आर्टिकल्स में आता रहता है, इजी है, अगर किसी को तलाशना है तो हर चीज़ मिल जाती है। ये मंत्र है दोस्तों, विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाम श्रेयम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। फिर बोल देता हूँ, विदेहि देवी कल्याणम, विदेहि परमाम श्रेयम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। दिशो जहि बोलना है, दिशो देहि नहीं बोलना, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सा। और फिर इसको जपते रहिए, इसको करते रहिए। माँ की कृपा, माँ की तो कृपा 24 घंटे है, वो तो उसकी गोद, उसका प्यार, उसका दुलार, वो तो चाहिए ना। बच्चा बच्चे बन के माँ से मांगिए, देखिए क्या नहीं देती माँ। करें दोस्तों इसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।